राम मंदिर निर्माण से जुड़े सभी कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने अयोध्या में डेरा डाल दिया है, जहां राम जन्मभूमि परिसर में भी मलबा हटाए जाने की प्रक्रिया 15 फुट तक पूरी की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ नींव बनाए जाने व कार्यशाला प्रारंभ करने के लिए सोनपुरा की टीम ने मंथन तेज कर दिया। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव बनाए जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लगभग 15 फुट तक निर्माण स्थल पर मलबा साफ किया जा चुका है। अब नींव तैयार किए जाने के लिए पत्थरों को अयोध्या लाने व कार्यशाला को प्रारंभ किए जाने की तैयारी है और जल्द ही कार्यशाला प्रारंभ की जा सकती है। आज राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ अयोध्या पहुंचे आर्किटेक्ट निखिल ने सोनपुरा अपनी टीम के साथ परिसर व रामघाट क्षेत्र स्थित कार्यशाला का निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए परिसर में रबीस हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है और जिस लेवल पर प्रधानमंत्री महोदय ने पूजा की थी उससे लगभग 5 मीटर यानी 15 फुट तक के रबीस को साफ किया जा चुका है। मंदिर निर्माण स्थल पर 400 फुट लंबा 250 फुट चौड़े स्थान की सफाई की गई है। उन्होंने बताया कि आज सोनपुरा के लोग अपने कार्य को देखने अयोध्या आए हैं। एक बहुत अच्छी चीज हुई, अभी 5 मीटर तक खुदाई हो गई। अंदाजन जिस लेवल पर प्रधानमंत्री महोदय ने पूजा की थी उस लेवल से 5 मीटर तक नीचे का डेब्रिश, ठीक है ना, सही है उस लेवल पर जहां प्रधानमंत्री महोदय ने पूजन किया था, मेरे अंदाज से 5 मीटर का अर्थ होता है 5 या 15, 16 फीट, 17 फीट तक डेब्रिश हट गया है। तो सर पूरी भूमि की मिट्टी हटाई जा रही है, ऐसा कुछ किया जा रहा है क्या? हाँ, लगभग ऐसा मानते हूँ, मैंने नापा तो नहीं है लेकिन शायद 400 फीट पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, 250 फीट उत्तर से दक्षिण की ओर इतना हटाएंगे। इतना इसलिए हटाना पड़ेगा कि व्हीकल का मूवमेंट भी देना है ना, अचानक वर्टिकल नहीं दे सकते, वर्टिकल कट नहीं हो सकता, इसलिए हटाना ही पड़ेगा। तो हटेगा जो मंदिर के नीचे खोदेंगे उसके बाद अभी देखो ये इंजीनियरिंग का काम है, नॉन इंजीनियर लेमैन से बात कर रहे हो, इंजीनियरिंग का काम है। सर एक चीज, एक अभी अनुबंध किया गया है क्षेत्र, तो सर वो किस तरीके का अनुबंध है? 3 कंपनी है, डिजाइनिंग डिजाइनर करके है, सोमपुरा जी का है। देखो वैसे तो असली बात है मैंने साइन किए हैं लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं। अनुबंध जिनके साथ किए हैं उनसे पूछ लेना, चंपत जी ने बिना पढ़े साइन किए हैं इसलिए उसमें क्या लिखा है मैं नहीं जानता। लेकिन किसे किया गया है? लेकिन जो आर्किटेक्ट है सोमपुरा उनके साथ एक अनुबंध 1992 में हुआ था, अशोक सिंघल जी ने किया था। उसी में चूंकि अब बहुत समय बीत गया है तो उसमें एक सप्लीमेंट्री कुछ क्लॉजेस जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं वो सोमपुरा जाने। दूसरा, 70 एकड़ में मंदिर का हिस्सा छोड़कर बाकी के एरिया का डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट को सुपरवाइज करना कंसल्टेंट के रूप में, उसमें टाटा के साथ सिग्नेचर हुए हैं। क्या लिखा है वो टाटा वाले बताएं। और तीसरा, उस बचे कुचे हिस्से का आर्किटेक्ट क्या हो, कौन वस्तु कौन बिल्डिंग कहाँ बनाई जा सकती है, उसका वास्तु शास्त्र कैसा हो, उसकी ड्राइंग कैसी हो, ये जो डिटेलिंग के काम है ये डिजाइन एसोसिएट नोएडा का कोई फर्म है उसके साथ हुआ है। तीन हुए, अभी तो हम मंदिर पर फोकस कर रहे हैं।